96 into 51. इट्स लाइक आप ये कैसे करोगे सॉल्व? आप करने एक बार नहीं बस ऐसे पूछने के लिए आया हूँ, ये खुद करने के लिए नहीं आया। 96 into 51 हाँ जी 8 cube 8 क्यूब 8 8 जा 64 into 8 512 वाह रूट 361 ओह माय गॉड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी नहीं है इतनी अच्छी मैथमेटिक्स के मामले में काफी इंटेलिजेंट है टिल कॉलेज आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते वाओ आपकी हिंदी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है हिसाब कैलकुलेटर के बिना कैसे करते हैं माइंड से कैलकुलेट करते रहते हैं सिंपल सिंपल इमेजिनेशन में पूरा उनके सेट होता है तो वो ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे करते हैं एंड वो बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर सब कुछ निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नमस्ते हिंदी語で動画を作ってる系 YouTuber のコウです。コウジーって呼んでください。昨日の動画でちらっとお話ししたんですけど、今一瞬日本に帰国してるんですよ。めっちゃ寒い。布団に絡まりながら失礼します。あ、車にながら失礼します。今回の動画ではちょっと面白い検証をしてきましたよ。昨日も Twitter でアンケートを取ったんですけど、やっぱり多くの日本人がそのインドに対して、インド人に対して、その数字に強いですとか、数学得意だよねっていうステレオタイプ印象を持ってるようなんですよね。Twitter のアンケートの投票者数少ないとかいうのはやめてもらって。なので今回の動画では、インド人は本当に数学が得意なのか、数字に強いのか検証してきました。で、今回の動画に出演してもらった方々なんですけど、僕のインドのうちあるじゃないですか。そのうちの近所の公園でブラブラ散歩してらっしゃった方々なんですね。で、最初その人たちにヒンディー語ドッキリを仕掛けて、そのヒンディー語ドッキリが終わって、ネタ明かしをして、で、さらに、すいません、あと2、3個インタビュー動画撮らせてもらえませんかって聞いて出演していただいてます。本当はそのヒンディー語ドッキリの方を最初に上げたかったんですけど、アップしたかったんですけど、まあ僕のね、チャンネルのコンテンツってあまりにもワンパターンすぎるので、ドッキリが何回も続いてもしょうがないから、先にこっちの方を、検証動画の方をアップしてます。今回ね、この検証の結果結構、衝撃的だから、どうか最後まで見ていってください。कई सारे जापानी लोगों के पास इंडिया के बारे में ये स्टीरियोटाइप होता है कि भारतीय लोग मैथ में काफ़ी अच्छे हैं तो पहला प्रश्न ये है कि आपके ख्याल से क्या लगता है क्या ये स्टीरियोटाइप सच है कि नहीं मुझे तो सच लगता है आपकी राय बता दीजिए एक्चुअली ये सच है क्योंकि इंडिया में आप जैसे जानते हैं आर्यभट्ट इंडिया से तो ऑब्वियसली ये सच बात है कि इंडिया एक बहुत मैथमेटिक्स के मामले में काफ़ी इंटेलिजेंट है काफ़ी ज़्यादा इंडियंस की मैथ्स अच्छी होती है बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी नहीं है इतनी अच्छी बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि गणित में काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर लोग सारे के सारे साउथ में काफ़ी ज़्यादा नहीं ये स्टीरियोटाइप तो नहीं है बट ये फैक्ट है ये एक्चुअली सही है बिकॉज इंडिया में टिल कॉलेज आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते आपको हाथ से आपको करना होता है दैट्स मैंडेटरी ओनली इन कॉलेज यू आर अलाउड कैलकुलेटर तो इस वजह से इंडियन लोगों की मैथ्स अच्छी होती है ऑल दो इट हैज बीन 7 years मैं मैथ्स के टच में नहीं हूँ बट लेट्स सी हाउ इट गोज आपकी राय बता दीजिए कुछ कुछ जगहों पे लोगों को मैथ्स अच्छे से आती है और कुछ कुछ जगहों पे नहीं आती रूरल एरियाज ठीक है भाई हमें मतलब इतना पता नहीं मैथ्स के बारे में हम मतलब जापानी मैथ्स का नहीं पता हमने जो पढ़ी है हमें तो वो सही लगती है बाकी अगर हम कभी जापान की मैथ्स को हम ट्राई करेंगे हम उसके बता पाएंगे भाई ईजी मतलब कौन सी अच्छी है कि नहीं है ये सच भी है और मतलब हम चार जनों को देख के जो जज नहीं कर सकते कि सब अच्छे हैं या नहीं है मैथ्स में लेकिन मोस्टली सब अच्छे ही होते हैं मतलब सिंपल कैलकुलेशन सब कर लेते हैं बिल्कुल सही बात है बिल्कुल भारतीय लोग जो हैं मैथमेटिक्स में आगे होते हैं तो मैं कुछ कुछ मैथ के सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे तो आप उन सवालों का सही जवाब कैलकुलेटर के बिना देने की कोशिश कीजिएगा ठीक है हाँ जी पहला प्रश्न है 96 into 51 हाँ जी 4896 कैलकुलेटर के बिना मुझसे ओके पहला प्रश्न है 96 into 51 8964 4000
896. थैंक यू. 96 इंटू 51. इट्स लाइक 4796. 4896. 1 minute, I need to check. मुझे चेक करने दीजिए. 96 इंटू 51, right? 8 cube. 8 का क्यूब. 8 क्यूब. 5 and 12. वाह. आपका सेम 5 and 12. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 8 का क्यूब. 8 का क्यूब. हाँ जी. 8 का क्यूब है 5 and 2. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. दूसरा प्रश्न है 8 cube. 8 cube. 8 8s are 64. 64 into 8, 512. आखिरी प्रश्न है. root 361. Oh my god, bro, this is level very tough. This level is very tough. 361. Right. Yeah, it's easy. 19. Root 361. Root. 19. Wow. Thank you. 19, Shad. Wow. 19. बहुत बढ़िया, परफेक्ट. आपको हिसाब करते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों के पास बड़ी संख्या का हिसाब करने के लिए अनूठा तरीका होता है. जी. तरीका होता है. तो क्या आप उसके बारे में जरा बता सकते हैं? विवरण कर सकते हैं हमें? विवरण? वाओ, आपकी हिंदी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है. इतनी बड़ी संख्या का हिसाब कैलकुलेटर के बिना कैसे करते हैं? माइंड से कैलकुलेट करते रहते हैं, सिंपल सिंपल, या फिर हैंड्स में अपने यूज कर लेते हैं. लाइक 1 2 3 4 5 6. हम मंथ्स भी देख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे. आपने सारे क्वेश्चन जो पूछे हमने बिना कैलकुलेट के बता दिए अपने दिमाग से ही. यहाँ के भारतीय लोग इसमें मैथमेटिक्स में इसलिए तेज है थोड़े. हाँ, तो ये स्टीरियोटाइप एक्चुअली सच है, मुझे लग रहा है ना? यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. सच भी लग रहा है और हमने आपके सामने बता करके भी दिखा दिया बिना कैलकुलेट के. स्कूल टाइम के जो 12 साल होते हैं उसमें हर वक्त मैथ्स होती ही होती है. तो मोस्टली जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी मैथ्स अच्छी होती ही होती है. अब इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, या मुझे नहीं पता कि दूसरी जगह पे क्या सिखाते हैं, कि यहाँ पे क्या नहीं सिखाते, लेकिन इतना पता है कि 12 साल तक अगर कोई चीज़ अगर एक चीज़ करता रहेगा ना तो वो उसमें अच्छा तो हो ही जाएगा. इमेजिनेशन में पूरा उनके सेट होता है, तो वो ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे करते हैं एंड वो बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब, क्यूब रूट्स, स्क्वायर, सब कुछ निकाल सकते हैं. मैंने आज तक कई सारे भारतीय लोगों को हिसाब करते वक्त अपनी उंगलियों का इस्तेमाल प्रयोग करते हुए भी देखा है मैंने. तो उसका सिस्टम क्या होता है, कैसा होता है, आप विवरण कर सकते हैं जरा उसके बारे में? एक्चुअली योर फिंगर इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स, सो ईच पार्ट कंटेन वन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो इट्स लाइक दैट. वी काउंट नंबर्स ऑन आवर फिंगर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. この動画を最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。いや、結構衝撃的じゃない？この検証結果。どうなんだろう？なんか普通にね、考えてその8の3乗とかを電卓なしでできないですよ。かっこ自分調べ。あと今回この動画を作る
ために僕あのルートって何なのか知らなかったんですよね。今まで恥ずかしながら数学ずっと1とか取ってた超数学苦手野郎だったので、なんかルートって何か知らなかったんですよ。でこういう風に人様になんかその問題を出す質問をするっていう立場になって、ルートが分かんないってダメだと思って、ルートの意味をこの動画を作るために、初めて知りましたという勉強になったね。この動画が少しでも面白いなって思っていただいた方は高評価ボタンですね、高評価ボタンと、コメントとかしてください。ぜひ、あと僕目標があって、今年中にこちらのチャンネルの、登録者数をですね50万人までどうか到達できるように頑張りたいなと思ってますので、どうか少しでも面白いと思っていただけた場合はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガンパリバッパーモーリャー、ハンガールモルテモーリャー。